प्रदेश में चुनाव की गतिविधियां तेज होने लगी है, जिसके चलते हर राजनेता मुद्दों को भुनाने में लगे हैं। पानीपत पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने बुधवार को इनेलो कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली और कैथल में मनाए जाने वाले चौधरी देवीलाल के जन्म दिवस का निमंत्रण दिया। वहीं बीजेपी पर प्रहार करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अहंकार में चूर है, उन्होंने दो बार प्रदेश को जलाने का काम किया। आगे इन्होंने कहा कि इनेलो श्राद्धों के बाद करेगी अपने 90 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी। चुनाव की तो अभी तारीख तय होनी है, हमारे जो कार्यकर्ता है वो कभी बैरक में नहीं गए। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहे सत्ता में रही और चाहे सत्ता से बाहर रही, हमारे कार्यकर्ता ने हमेशा जहाँ भी सरकार ने किसी भी वर्ग की अनदेखी करी उसके लिए उसकी लड़ाई लड़ी और उसके साथ जब तक न्याय नहीं हुआ तब तक उसके साथ खड़े रहे। आज की तारीख में मौजूदा सरकार ने 5 वर्ष में लगातार हर वर्ग के लोगों के ऊपर बड़ा अत्याचार किया। बाबा रामपाल महाराज से लेकर के सबसे पहले तो सरकार बनते ही उनको गिरफ्तार करने गई पुलिस ने, 6 लोगों को मारने का काम किया। उसके बाद जाट आरक्षण आंदोलन जो था, जो भाजपा की देन थी, जिस भारतीय जनता पार्टी ने 15 महीने तक उनको बुला बुला करके विश्वास दिला करके कि हम आपको आरक्षण देंगे, और उस 15 महीने में जिस किस्म की गेम बीजेपी ने हरियाणा में करने की कोशिश करी, आपसी भाईचारा तोड़ने का प्रयास किया, भाईचारा कैसे खत्म हो उसके लिए अपने लोगों की पीठ पे हाथ रख करके उनको प्रदेश भर के भ्रमण कराए, 35-36 जात के नारे लगाए, और फिर 32 इनोसेंट बच्चों को जब आरक्षण की बात उनको याद कराने के लिए लोग सड़कों पे बैठे 5 जातियों के, तो 32 नौजवान बच्चों को उन्होंने उस वक्त मौत के घाट उतारा। फिर जिन्होंने इन लोगों की सरकार बनाई, डेरा सच्चा सौदा के प्रेमियों ने इनके लिए लाइन में खड़े होकर के वोट मांगे थे, उनकी वजह से इनकी सरकार बनाई। इनके मंत्री और चीफ मिनिस्टर सब इस बात को स्वीकार करते हैं, उनको भी मेहमान बनाया बुलाया और पंचकुला में बुला करके 48 लोगों को 2 घंटे में मौत के घाट उतार दिया। रोडवेज के कर्मचारियों को अनेक दफ़ा इस बात के लिए मजबूर किया कि वो सरकार के खिलाफ एजिटेशन करें। गैस टीचर पिछले 5 वर्ष से लगातार इनको किए हुए अपने वायदे की याद दिलाने के लिए लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। जिन टीचर्स को स्कूल में बच्चे पढ़ाने थे आज वो सड़कों पे खड़े सरकार को याद करा रहे हैं कि आपने वायदा हमसे किया था। अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज अनेक ऐसे वर्ग हैं जिनको इन्होंने परेशान किया, किसान को लूट लिया, व्यापारी को भी धरनों पे बैठने पे मजबूर किया, और कर्मचारी को तो खौफ दिखाया इन्होंने, एस्मा का खौफ दिखाया नौकरी से निकालने का। और अनेक दफ़ा मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को बुला के धमका के निकाला। अब तो सारी हदें पार कर दी सरकार के मुखिया ने, जब जन आक्रोश यात्रा निकल जन आशीर्वाद यात्रा निकाला था, लोगों से आशीर्वाद लेने की बजाय घमंड में चूर होकर के अपने ही पार्टी के साथियों पे बर्छा लेकर के हाथ में वार करने की बात करी कि मैं तेरी गर्दन काट लूँगा। ये तो किसी की गर्दन काटेंगे नहीं काटेंगे, लेकिन लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में पूरी तरीके से सबक सिखाएंगे, 75 पार वालों को पंजरा पे रोकने का काम। सर, कल एक आशा थी कि इनेलो और जसपा इकट्ठे हुई, लेकिन दुष्यंत चौटाला ने बयान दिया कि इलेक्शनों के बाद इनेलो एक पार्टी थी हो जाएगी, उस पर क्या कहना है? जो लोग इस किस्म की बात करते हैं उनके बारे में मेरे से सवाल पूछने की बजाय खाप पंचायत के लोगों से पूछो, इसका बड़ा अच्छा उत्तर आपको दे देंगे कि हमने किस गलत फहमी में इन लोगों के साथ जाकर के खड़े हुए और उसका आज वो खामियाजा भुगत रहे हैं। चुनाव के नतीजे, पहले तंवर अकेला घूमता था, अब हुड्डा और शैलजा 2 घूम रहे, गुटबाजी तो ज्यों की त्यों है। कोई तीसरा चेहरा मुझे आप बताओ जो आपने कांग्रेस का ऐसा देखा हो, जो अपने आप को बड़ा नेता इस प्रदेश का मानता हो, इनके साथ खड़ा।
ये कांग्रेस हाईकमांड ने इन दोनों को मजबूर किया कि तुम्हें लोगों के बीच में जाना है, ये भी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। इलेक्शन की तारीख तय कराओ आप। उस पार्टी ने कर दिया, हम अपनी पार्टी के उम्मीदवार जो कुछ ने कर दिया, श्राद्ध में कभी भी कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता, आप किसी से पूछ ले जाके। श्राद्ध में अच्छा काम कोई नहीं करता, हम तो नवरात्रे में अपनी लिस्ट जारी करेंगे। अर्थ प्रकाश के लिए पानीपत से मदन बरेजा की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।